नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और मस्ती में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मेरे भाइयों और बहनों के लिए, जो कि बहुत दिनों से डिफेंस की, पुलिस की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही थी दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बम्पर वैकेंसी आ गई है दोस्तों आप लोग के लिए फॉरेस्ट गार्ड की। तो फिर आप लोग देरी ना करें, अब वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए फुल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये जो नोटिफिकेशन आई है आसाम गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोग को जॉब रिलेटेड अपडेट, फिर फ्री कोर्सेज के बारे में अपडेट देती रहता हूँ दोस्तों। और लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए आपको ये मेरे चैनल पर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है दोस्तों नोटिफिकेशन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं 1041 पोस्ट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है। 144 पोस्ट है फॉरेस्टर 1 के लिए, 11 पोस्ट है स्टोनोग्राफर के लिए, ग्रेड 3 के लिए, और 812 पोस्ट है दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। और 35 पोस्ट है दोस्तों सर्वेयर के लिए, और 28 पोस्ट है मजदूर के लिए, और 1 पोस्ट है कारपेंटर के लिए, और 50 पोस्ट है ड्राइवर अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आपको मैं फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग इसकी 25/5/2020 से स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और ये 25/6/2020 तक रहेगी। तो फिर आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी 1 महीना बाकी है, अभी 1 महीना है ये वैकेंसी में। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरें दोस्तों। और यहाँ पर आपको ये बोल दिया गया है कि ये पोस्ट कितना है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। फॉरेस्टर 1 के लिए मैं ऊपर ही आपको बता दिया कि 144 पोस्ट है, और इसका आप यहाँ पर पे स्केल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल है, ग्रेड पे भी काफ़ी अच्छा है, 6400 ग्रेड पे है, मतलब कि आपको मिनिमम से मिनिमम 30,000 से 40,000 रुपये आपको मंथली मिल जाएगा दोस्तों। स्टोनोग्राफर का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ग्रेड पे है, और ये आपका पे मैट्रिक्स इतना ज़्यादा है दोस्तों। फिर फॉरेस्ट गार्ड का भी आप देख सकते हैं, और सही सर्वेयर का देख सकते हैं, सबका ग्रेड पे बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। सिर्फ ड्राइवर का थोड़ा कम है, 5,200 है, कारपेंटर का 5,000 है, और महूत का 5,000 है ग्रेड पे। तो ये सारे पोस्ट में भी आप लोग को कम से कम 30,000 के लगभग इनकम, आपका पे स्केल 30,000 के लगभग होगा दोस्तों। तो ये बात होगा कितनी वैकेंसी और क्या क्या आपको पे स्केल है, ग्रेड पे है, जो कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा, इसकी बात। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें एलिजिबल कौन कौन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल के लिए कितना है, और एस सी एस टी एस टी एच पी एस टी पी ई डब्ल्यू एस अनरिजर्व ओबीसी एम ओबीसी, ये सारे जो कैटेगरी है इनमें कितना कितना पोस्ट है आप लोग देख सकते हैं सामने दोस्तों, आपके स्क्रीन पर साफ सब कुछ शो कर रहा है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ आसाम। तो आपको आसाम का यदि आप आसाम के हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ आसाम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी आपका नाम होना चाहिए, आसाम के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से यदि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम है तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट इसका एज हम लोग देख लेते हैं, एज यहाँ पर मांगा गया है मैक्सिमम आपका एज 38 होना चाहिए और मिनिमम 21 होना चाहिए दोस्तों। आइए एज कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2020 से, तो आपका यदि इस एज के अंदर आ रहा है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ये फॉरेस्टर 1 और स्टोनोग्राफर 3 के लिए है, अब बाकी फॉरेस्ट गार्ड सर्वेयर महूत कारपेंटर और ड्राइवर के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 38 ईयर्स है मैक्सिमम, और 18 साल से आपको ज़्यादा होना होगा, 18 साल से ज़्यादा आपका है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 1 जनवरी 2020 के हिसाब से दोस्तों। अब रिलैक्सेशन की बात कर ले तो रिलैक्सेशन दोस्तों आप जानते ही हैं कि 5 साल रिलैक्सेशन एस सी एस टी और एस टी के लिए है, और 3 साल की रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए है, तो ये तो सब कुछ सेम है। और यहाँ पे इन लोगों ने कहा है दोस्तों कि अरे आप लोगों ने अप्लाई किया है फॉरेस्ट गार्ड के लिए या फिर कारपेंटर के लिए दोस्तों, ये जो 22/12/2016 में ये जो फॉर्म आई थी तब आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो आपको ये अभी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इन्होंने कहा है दोस्तों अपने एडवर्टाइजमेंट में। और इन लोगों को रजिस्ट्रेशन पेज पर भी लिखा हुआ मिलेगा, आपको यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज पर भी सेम बात लिखा हुआ है दोस्तों। तो आप यदि किए हुए हैं तो आपको अप्लाई दूसरे कैटेगरी में कर सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों, ऐसा इन लोगों ने बताया है दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, आपको क्या शैक्षणिक योग्यता की क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फर्स्ट वन के लिए आपको बैचलर डिग्री अनिवार्य है दोस्तों, बैचलर डिग्री होना ही चाहिए। और बात कर लें स्टोनोग्राफर ग्रेड 3 की, स्टोनोग्राफर के लिए दोस्तों
इस दोनों के ऑफर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कोली कॉलेज से या फिर और फिर उसके बाद आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम ITI जो कि आसाम से हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ आसाम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होना चाहिए दोस्तों। ये मतलब आप कहीं से भी रिकॉग्नाइज ITI से इंस्टीट्यूट से ITI किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद आपका 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनोग्राफी भी होना चाहिए, मतलब कि 80 वर्ड पर मिनट आपका स्टेनोग्राफी में होना चाहिए दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। फॉरेस्ट गार्ड की बात कर ले तो यहाँ पर 10+2 ही मांगा गया है, तो ये फॉरेस्ट गार्ड काफ़ी अच्छा पोस्ट है आपके लिए, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी 800 लगभग वैकेंसी है इसमें, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, 10+2 ही मांगा गया है। और सर्वेयर के लिए मात्र 10 क्लास मांगा गया है, लेकिन आपको यहाँ सर्टिफिकेट भी लगेगा, ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट भी इन्होंने मांगा है एक्स्ट्रा में, तो फिर आपको ये भी दिखाना होगा। महोत के लिए आपको क्लास 8 पास होना चाहिए और फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एलिफेंट कीपिंग में, मतलब कि आपको हाथी को रखने के लिए हाथी को संभालने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर कारपेंटर के लिए दोस्तों आप यदि 10 पास है और फिर आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर का, तभी आप कारपेंटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और ड्राइवर के लिए दोस्तों आपका 10 पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि आसाम की गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट अथॉरिटी के तरफ से ही पे दिया जाना चाहिए, मतलब कि ये डायरेक्टली आसाम वाले लोग के लिए ही है फॉर्म दोस्तों, तो आपको सब कुछ आसाम का ही होना चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में बात कर लेते हैं दोस्तों फॉरेस्टर 1, तो फॉरेस्टर 1 में आप देख सकते हैं कि हाइट कितना मांगा गया है, हाइट जनरल OBC MOBC SC के लिए है 162.56 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 है, और वहीं ST के लिए है दोस्तों 153 और फीमेल के लिए 145 है। और चेस्ट की बात करें तो ये सब मेल के लिए ही होता है चेस्ट, ये फीमेल के लिए नहीं होता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर जनरल OBC MOBC SC ST ST के लिए 79 है नॉर्मल और एक्सपेंडेड में 84 है दोस्तों। तो फिर आप बात कर लें फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में जनरल OBC और MOBC ST के लिए SC के लिए मेल के लिए 163 मांगा गया है, और फीमेल के लिए ST कैंडिडेट मेल के लिए मांगा गया है 153 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर मांगा गया। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में सारे कैटेगरी के लिए चेस्ट नॉर्मल 79 और एक्सपेंडेड में 84 मांगा गया है दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यह है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ आप देख सकते हैं forest2020.slprbassam.in, ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, यहीं पर जाकर आपको अप्लाई करना है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कैसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करेंगे दोस्तों, तो आप उस वीडियो का इंतजार करिए, मैं वो वीडियो जल्दी ही बनाने वाला हूँ दोस्तों। अब बात कर लें यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, ये तो मैंने बता दिया, पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आप लोग देना है, पासपोर्ट साइज फोटो इन्होंने कह दिया है कि स्टूडियो में ही आपको खिंचाना है, और वो भी 1 जनवरी 2020 मतलब 2020 का पहले नहीं का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए दोस्तों। और आप फोटो खिंचाते समय खुद से अपने फ़ोन से फ़ोटो ले लेंगे या फिर ये कुछ जैसे टोपी पहन के या चश्मा पहन के या फिर आपका फेस क्लियर दिखना चाहिए दोस्तों, तभी आपका फ़ोटो मान्य होगा, वरना ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म को। यहाँ पे इन्होंने साफ सब कुछ मेंशन कर दिया है दोस्तों। और फोटो का साइज़ बता दूँ दोस्तों तो 4.5 सेंटीमीटर × 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और फिर उसके बाद मैं पिक्सल की बात कर लूँ तो 640 × 480 होना चाहिए दोस्तों। और फिर उसके बाद साइज़ 450 KB का होना चाहिए दोस्तों। अब बात कर लें सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि ब्लैक और डार्क ब्लू इंक का ही होना चाहिए, आप जो थप्पा लगाएंगे ब्लैक या फिर डार्क ब्लू इंक का ही होना चाहिए, व्हाइट पेपर का होना चाहिए, और इसका साइज़ होना चाहिए 100 KB का, और इनका जो पिक्सल है 800 से लेकर 300 या फिर आपका ये मैक्सिमम है मिनिमम पिक्सल 400 से लेकर 150 तक, और इनका डायमेंशन जो है फोटो का वो होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर तक। तो ये तो बात हो गई पिक्चर और सिग्नेचर की, तो दोस्तों नेक्स्ट बात है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट यदि आप 10 क्लास में बोर्ड दिए हैं तो फिर यदि आप होम बोर्ड दिए होंगे तो आपके आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, यदि आप बोर्ड दिए हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा 10 क्लास का, तो वही प्रूफ है एज ऑफ प्रूफ। तो फिर दोस्तों अब बात कर लें सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि मार्कशीट लगेगा, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा का या फिर सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेनोग्राफी का भी जो स्टेनोग्राफर भरेंगे ITI के तरफ से स्टेनोग्राफी किए हो उनका, और फिर उसके बाद जो भी आसाम से पॉलिटेक्निक किए होंगे उनका सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, आप जो ड्राफ्टमैन के लिए भर रहे हैं सर्वेयर के लिए उनका ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सारा कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको दोस्तों, तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता दे रहा हूँ दोस्तों। अब बात करते हैं कि SC ST OBC तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जैसा कि आसाम का ही लगेगा आपको, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। आप सिलेक्शन प्रोसेस भी और के बारे में बता दूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 2 टेस्ट होगा, फर्स्ट फेस टेस्ट होगा, सेकेंड फेस टेस्ट होगा। तो टेस्ट की बात कर ले तो आपको यहाँ पर लिखा गया है डीप वर्ड में देख सकते हैं, बिफोर इंटरिंग द टेस्ट इन द वेन्यू द फर्स्ट
फेस टेस्ट, बायोमेट्रिक ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी डन, मतलब बायोमेट्रिक किया जाएगा आपका। तो फिर दोस्तों आप जो देंगे हैंड प्रिंट वो सही से देना, आप सिग्नेचर करेंगे वो भी सही से करना दोस्तों, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात कर ले टेस्ट क्या किस तरह से टेस्ट होगा दोस्तों, तो फॉरेस्ट वन और फॉरेस्ट गार्ड के लिए पहला फर्स्ट फेस टेस्ट होगा जिसमें कि आपको फिटनेस, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिटनेस टेस्ट होगा जो कि फर्स्ट टेस्ट है इनका, और उसमें आपको 26 किलोमीटर चलना पड़ेगा मेल के लिए और 16 किलोमीटर फीमेल के लिए चलना होगा 4 घंटा में। तो फिर ये काफ़ी आसान है दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे दोस्तों। और सेकेंड टेस्ट है दोस्तों रिटेन होगा, पहले आपका फिजिकल होगा फिर उसके बाद रिटेन होगा दोस्तों। और रिटेन में जो भी पास करेंगे यहाँ पर ये 26 किलोमीटर और 16 किलोमीटर वॉक में जो भी पास करेंगे दोस्तों उन्हीं को फिर सेकेंड फेस टेस्ट में बुलाया जाएगा। और फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि द मेरिट एट द रेट ऑफ 5 times द नंबर ऑफ पोस्ट अलॉटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच कैटेगरी, मतलब कि 5 गुना जन जितना भी पोस्ट है उस उतना इंटू 5 उतना जन को बुलाया जाएगा सेकेंड टेस्ट के लिए। तो फिर काफ़ी कम जन है किंतु आप लोग हार ना माने दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए दोस्तों, आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 घंटे का टेस्ट होगा दोस्तों फॉरेस्ट वन के लिए और 2 घंटे का टेस्ट होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों। तो फिर और सब्जेक्ट जो कि गिवन है मैं सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा दोस्तों क्या क्या सब्जेक्ट होगा। और टेस्ट फॉरेस्ट वन के लिए टेस्ट होगा 100 मार्क्स का जिसमें कि 100 क्वेश्चन होगा दोस्तों। और फॉरेस्ट गार्ड की बात कर ले तो फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 75 क्वेश्चन होगा दोस्तों जो कि काफ़ी सब कुछ OMR पर ही होगा, मतलब कि यहाँ आप नेगेटिव मार्किंग देख सकते हैं 1.2 है, मतलब 0.5 नेगेटिव मार्किंग रहेगा दोस्तों। अब बात कर ले सिलेबस की, तो सिलेबस इन्होंने काफ़ी आसान बनाया है दोस्तों, जनरल मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड भरकुलर ग्रामर से रिलेटेड जो भी होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आसाम हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल एंड पॉलिटिक्स, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड जनरल नॉलेज ये सारे कुछ होगा, इसका सिलेबस मैं बता दिया आपको दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर में क्या क्या लगे, स्टेनोग्राफर के ठीक है इसमें भी फर्स्ट टेस्ट होगा फर्स्ट फेज और फिर सेकेंड फेज टेस्ट होगा। फर्स्ट फेज टेस्ट में इसमें कॉमन पेपर रहेगा जो कि सेट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड फॉरेस्ट वन द डिटेल ऑफ द मेंशन एवं, जैसा कि ऊपर मैं आपको सिलेबस बता दिया हूँ फॉरेस्ट वन और स्टेनोग्राफर का एक ही सिलेबस है दोस्तों, किंतु इनका रिटन टेस्ट अलग अलग होगा। और फिर उसके बाद सेकेंड फेज टेस्ट की बात कर ले तो उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जहाँ पर कि उनको टाइपिंग करके दिखाना होगा दोस्तों, तो वहाँ पर टाइपिंग करना होगा उनको दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग करना होगा तभी उन लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट, सेकेंड फेज टेस्ट जो होगा स्टेनोग्राफर 3 के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा दोस्तों वो किस तरह का होगा वो 50 मार्क्स का होगा दोस्तों इन्होंने कह दिया है। यहाँ पर ड्यूरेशन होगा 5 मिनट का इन लोगों को, और फिर ड्यूरेशन ऑफ 5 मिनट एंड 400 वर्ड, मतलब आप 8 × 5 × 80 कर लीजिए, 80 वर्ड पर मिनट उन्होंने कहा था, मतलब कि आपको 400 वर्ड लिखना होगा 5 मिनट में दोस्तों। और टाइम गिवन होगा कैंडिडेट को टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर पर 3 मिनट, और टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर द डेडिकेशन पोर्शन इन द कंप्यूटर इज 20 मिनट, तो काफ़ी अच्छा टाइम भी मिलेगा आपको दोस्तों, आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स कितना मिलेगा, यदि आप करेक्ट करते हैं तो आपको 0.125 मार्क्स मिलेगा हर एक वर्ड पर, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब बात कर लें सर्वेयर की, तो सर्वेयर के लिए देख सकते हैं दोस्तों फर्स्ट फेज टेस्ट होगा जो कि रिटन टेस्ट होगा, ये 2 घंटे का टेस्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, OMR पर होगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1.2 होगा, मतलब 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगा, और यहाँ पर हाफ नेगेटिव मार्किंग है, और आपको क्वेश्चन पर मिलेगा 1 मार्क्स, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों, तो आप नेगेटिव ज़्यादा मत करना दोस्तों, यदि आपको आता है तभी आप करना। और कैंडिडेट को ब्लू बॉल पेन और फिर OMR शीट पर ये ब्लू बॉल पेन से ही लिखना है दोस्तों, यहाँ लिख दिया ब्लैक बॉल पेन, सॉरी दोस्तों ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है दोस्तों, तो आप ब्लू को बिल्कुल भी यूज़ मत करिए दोस्तों, आप ब्लैक से ही लिखिएगा। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया, इनका सिलेबस मैं बता देता हूँ, एलिमेंट्री अरिथमेटिक वर्नेकुलर लैंग्वेज और बेसिक जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। और सेकेंड टेस्ट की बात कर ले दोस्तों, सबके लिए अलग अलग टेस्ट है, यहाँ पर आपको बता दूँ कि किस तरह का टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट मैं बता देता हूँ दोस्तों। सर्वेयर के लिए 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, यहाँ पर मेंसुरेशन 0.1 और ड्राइंग 0.2, मेंसुरेशन 40 मार्क्स का होगा जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, 1 घंटे का होगा, और ड्राइंग 60 मार्क्स का होगा जो कि 2 घंटे का। तो फिर दोस्तों आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो मेरे देखिए, मतलब कि आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो दोस्तों मैं आपको फुल नोटिफिकेशन दे रहा हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि मेडिकल जो कि यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड कहा गया है, मतलब गुड मेंटल होना चाहिए और अच्छा बॉडी का होना चाहिए, कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है डायबिटीज, हर्निया, पाइल्स, रेस्पिरेटरी ये डिजीज, जैसे कि अस्थमा हो गया, ये सारा कुछ भी नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को तभी वो अप्लाई करें, तो यहाँ पर ये सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर दिया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस तरह से
आपको क्या क्या लगेगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी के लिए दोस्तों 30 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो क्या क्या एक्टिविटी आपका रहेगा तो फिर 30 नंबर मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर डिग्री या कोर्स रहेगा तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। मास्टर MCA BCA डिप्लोमा 1 साल का है तो फिर 4 मार्क्स, 2 साल का है तो 6 मार्क्स, BCA 7 मार्क्स है, MCA 10 मार्क्स है। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए स्क्रीन पर मैं खोल के रखा हूँ, आप लोग देख लीजिए। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका भी परसेंटेज 45 से 59.9 है तो 2 मार्क्स मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 5 है दोस्तों, 75 से ऊपर है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। 60 से लेकर 75 तक परसेंटेज है तो 3 मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा दोस्तों। तो ये सारा कुछ आप देख लीजिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप लोग को दोस्तों। होम गार्ड है आप तो यहाँ पर आपको उसमें भी मार्क्स मिलेगा दोस्तों। 4 साल से ज़्यादा के लिए तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। यदि आप इंडिया लेवल पर ओलंपिक कमेटी में, यदि आप कभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में गए थे दोस्तों, तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यदि आप फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं 15 साल से ज़्यादा, तो उसमें भी आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दिया कि एक्स्ट्रा। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो फाइनल सिलेक्शन दोस्तों रिटन टेस्ट में 100 मार्क्स का है और एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी, जैसा कि फॉरेस्ट वन के लिए 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ था रिटन का, आप लोगों को मैं ऊपर बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी 30 मार्क्स है, टोटल 130 मार्क्स में जितना ज़्यादा आपका आएगा उतना ज़्यादा चांस होगा आपका सेलेक्शन का। अब फॉरेस्ट गार्ड का रिटेन टेस्ट 75 का हुआ था दोस्तों, आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा कैलकुलर है 30 मार्क्स जो कि ऊपर मैंने दिखाया आपको, तो 105 मार्क्स का आपको टोटल इसका मार्क्स बनता है। स्टेनोग्राफर 3 का वैसे ही 180 मार्क्स है दोस्तों, 100 मार्क्स का रिटेन, फिर उसका टेस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी 50 मार्क्स का था और एक्स्ट्रा कैलकुलर 30 मार्क्स का, तो 180। और सर्वेयर का रिटेन टेस्ट 75 का था, सेकंड फेज टेस्ट दोस्तों उनका 100 का था, आपको मैं ऊपर ही दिखा दिया। एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटी 30 का था तो 200। अब बात करूँ कारपेंटर ड्राइवर और महूत के लिए, तो फिर इनका रिटेन टेस्ट 75 का था, स्किल टेस्ट इनका 50 का और एक्स्ट्रा कैलकुलर 30, तो टोटल मिला के 155 हो गया दोस्तों। तो इनका 155 में टोटल मेरिट बनेगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये मैं सब कुछ बता दिया आपको, ये A to Z इन्फॉर्मेशन दे दिया दोस्तों आपको मैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो फिर दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको कोई भी और वीडियो ना देखना पड़े, मैं इसलिए इतना सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया ताकि आपको कोई और ना ही परेशानी हो। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं दोस्तों, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम ID कुमार रॉक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दे दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।